अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सरकारी स्तर और विभिन्न संस्थाओं द्वारा सेमिनार कर चिंतन मंथन हर वर्ष 1 मई को किया जाता है। वहीं अलवर जिला मजदूर किसान सेवा केंद्र ने श्रमिक विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक रैली निकाली। सरकारी दावों के अनुसार श्रमिक विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को अनेकों सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, साथ ही बेटी की शादी के लिए 50,000 रूपए भी दिए जाते हैं। लेकिन मंगलवार मजदूरों द्वारा निकाली गई रैली में 50,000 रूपए लेने के लिए 15 से 20,000 रूपए की रिश्वत अधिकारियों द्वारा लिए जाने के आरोप श्रमिकों ने लगाए। मौका था जब 1 मई को अलवर जिला मजदूर किसान केंद्र द्वारा रघुनाथ बवेजा के नेतृत्व में जिला प्रशासन को श्रमिकों की समस्या से संबंधित ज्ञापन सौंपने के लिए रैली निकाली गई। इस दौरान मजदूर नेता ने श्रमिक विभाग पर जमकर आरोप लगाए। आज इसी उपलक्ष्य में कि भाई जो सरकार बिजली पानी नहीं दे सके उस सरकार को अस्तीफा दे देना चाहिए। जो श्रम विभाग अपनी घोषणाओं के अनुसार अपने इनको योजनाओं का लाभ नहीं दे सके उस सरकार का श्रम विभाग मुर्दाबाद। रैली आज ये अलवर जिला मजदूर किसान सेवा केंद्र जिसका ऑफिस गुरुद्वारा सिंह सभा विवेकानंद चौक पर है वहाँ पे ये रैली शुरू हुई और मालाखेड़ा बाजार सराफा बाजार वो तो यहाँ पहुँची और इन बेरहम अधिकारियों के सामने लिखित में अपना जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया है।